देखिए मुझे एक्सरसाइज वर्कआउट हेल्थ फिटनेस ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है
और मुझे खुशी है कि सलमान भाई ने ये शुरू किया है, बीइंग स्ट्रॉन्ग, बीइंग फिट। वो एक इस मामले के अंदर वो बचपन से उनको खुद को एक शौक रहा है, एंड वो अपने फैंस को ये मुझे लगता है एक गिफ्ट देना चाहते हैं कि आप कुछ सीखो। और जेन्युइनली जब ये लॉन्च हुआ है कुछ महीने पहले, तो हमने बोलते ना कि गिनी पिग होता है, तो हमने खुद इस पर टेस्टिंग की थी। और हम दुनिया में बहुत ट्रैवल करते हैं, हम काफ़ी जिम्स में जा चुके हैं, तो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड भी हमारा था थोड़ा एक्सरसाइज के मामले में और हेल्थ एंड फिटनेस के मामले में थोड़ा ऊपर है। तो जब ये भाई ने कहा कि ये वो बीइंग फिट बीइंग स्ट्रॉन्ग शुरू कर रहे हैं, तो एक एक्सपेक्टेशन ही बहुत होती है कि अब जो बंदा जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है बिकॉज ऑफ द बॉडी दैट इज मेंटेन फॉर इयर्स एंड हेल्थ एंड फिटनेस। लेकिन जब मैंने इक्विपमेंट ट्राई किया और पहली बार मैंने आयुष के जिम में ट्राई किया, मुझे इतना मतलब आप जब ये इक्विपमेंट ट्राई करते हो तो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, मतलब स्टेडी है और स्ट्रॉन्ग है और आपको बिकॉज मेरा सिर्फ यही टेंशन होता है कि जब मैं अब अपने बच्चों को या किसी को कुछ कहता हूँ, क्या डर लगता है कि कोई इंजरी ना हो जाए। एंड बट ये जो इक्विपमेंट है ये बहुत ही साइंटिफिक इक्विपमेंट है, इसके ऊपर बहुत स्टडी किया गया हुआ है, एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस हैव बीन इन द बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स। तो आई एम ग्लैड दैट आज शाम को वी आर ऑल हियर टू लॉन्च दिस ब्यूटिफुल इवनिंग, और ये बींग फिट बींग स्ट्रॉन्ग ये फैले और हिंदुस्तान में दुनिया में लोग, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव क्या आपके पास पैसे तो हम लोग थोड़ा बहुत सब कमा लेते हैं, लेकिन हेल्थ इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ। एंड जब मैंने ये कॉन्वर्सेशन शुरू किया तो मैंने आपको वही कहा कि मुझे जब मैं यहाँ आया तो मेरे चेहरे पे खुशी थी, मुझे ये मेरी जन्नत है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग एक्सरसाइज या हेल्थ या फिटनेस का शौक होता है तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है। सो आई एम ग्लैड आई एम हियर एंड फॉर मी इट्स अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। सलमान भाई का रिकॉर्ड भी नहीं, सलमान भाई का रिकॉर्ड तोड़ना काफ़ी मामलों में मुश्किल है, तो दिस इज आर लेकिन नो बट आई सी एक सलमान भाई का विद दिस यंग किड्स एंड विद दिस ही इज़ एन इंस्पिरेशन, एंड आई एम ग्लैड कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा आज मैं यहाँ, लेकिन रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, एंड अब तो ये शुरू हुआ है, ये आप इसको बोले टूर्नामेंट या आप उसको बोले कॉम्पिटिशन, तो रिकॉर्ड्स विल बी ब्रोकन और सलमान भाई खुद चाहेंगे क्या उनका कोई रिकॉर्ड आके तोड़े कोई, एंड फिर वो वापस उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे बिकॉज दैट्स वॉट कीप्स हिम गोइंग एंड दैट्स वॉट कीप्स हिम अलाइव। सो यस आई एम जस्ट ग्लैड टू बी हियर। हमें जब भी फिटनेस की बात करें तो आप दो भाइयों का नाम ज़रूर आता है, और आपकी और आपको कौन इंस्पायर करते हैं जो हमेशा आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं, क्या नहीं मुझे आगे और करते रहने। देखिए जब लोग कहते हैं कि 6 हफ्ते का प्लान है या दिवाली तक करना है या क्रिसमस तक करना है या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये जो सब अपने आप को एक टाइम देते हैं और मुझे वो गलत लगता है। मुझे लगता है कि हमारी बॉडी है और इसका हमें इससे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस पर अननेसेसरी एक टाइम लोड आए। आराम से करो और अपनी बॉडी अपनी हैसियत के हिसाब से करो। तो जब लोग कहते हैं कि आपकी मेरा इंस्पिरेशन कौन है, तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे 2 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर मुझे ऐसा बनना है। जब मैं अपने फादर को देखता हूँ जो 80 प्लस है, जब मैं उनको देखता हूँ मैं उस उम्र में कैसा रहूँगा, मुझे वो रहना है। हम
40, 50, 60 साल तक हम हमारी बॉडी जो है वो झेल लेती है, उसके बाद क्या। लेकिन ये हमारे फाउंडेशन ईयर्स हैं, तो हमारे फाउंडेशन ईयर्स में मतलब मेरे फाउंडेशन ईयर्स नहीं है, मतलब मैं तो ऑलरेडी मिडिल में पहुंच चुका हूँ, लेकिन जो बच्चों के जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं जब वो कसरत शुरू करते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं, वो दे शुडन ओवर डू इट। मतलब हाँ, अगर आप प्रोफेशनल हो या अगर आपका काम है और उसकी वजह से आप, अगर आपकी दुकान चल रही है तो देयर एन एथलीट और इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, जो पब्लिक है, जो सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस पे अपना ध्यान रखना चाहती है, वो चीज़ों को आराम से लेना चाहिए उनको। एंड जस्ट एक घंटा चल ली है या थोड़ा एक्सरसाइज कर ली है दिन में, बेसिकली फॉर मी एक्सरसाइजिंग इज मोर ऑफ द ब्लड फ्लो, क्या खून बॉडी में बहना चाहिए, और जितना आप एक्सरसाइज करोगे वह उतना आपका दिमाग फ्रेश रहता है। या थैंक यू Yeah, sure. Nice change for Grace. Please give some space. Nice change for Grace. Please. Guys, please give some space. One second. Thank you.
एग्जीबिशन की बात नहीं उधर